जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल कब और गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से निवेदन की ज्यादा वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 जुलाई से वो सडनली वो शटडाउन हो गया है या नॉन ऑपरेशनल हो गया है। मैं उन्नति एस्ट्रो वाला का अकाउंट भी उस पे यूज करता था। एक तो जितने दिन भी चला, क्योंकि ये इंडियन स्टार्टअप था और ये कोरोना काल में ही बहुत प्रोमिनेंट यूज हुआ, उनका धन्यवाद, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। हमने इनकी सर्विस ली और यहाँ पर जितने भी लोगों ने देखा उन्नति एस्ट्रो वाला का वीडियो, या कहीं ना कहीं इतने सारे यूजर्स से कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने में उसको हमारी हेल्प भी होगी। तो इसी चीज को एक धन्यवाद के रूप में वहां देखा और एक कुंडली बना के कि क्या इसके सरवाइव होने की या रीस्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज उनके कंपनी के सीईओ या उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी आपको स्टेटमेंट तो कहीं से भी मिल जाएगी। मेरा यहाँ पर वो मकसद उसको डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि जब मैं चार्ट बनाता हूँ आपके आसपास कुछ चीज हो रही होती है उसमें से आपको क्या पॉसिबिलिटी दिखती है, ये मेरा वीडियो ज्यादा उस चीज के ऊपर आधारित है। देखिए, जब ये कू का इनोग्रेशन हुआ या ये एप्लीकेशंस की लॉन्च हुई, तो मिनिस्टर्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको बहुत यूज किया, बढ़ावा दिया एक स्टार्टअप होने की वजह से। तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, कुछ और लोगों ने भी, आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेसी के या अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लोगों ने इसको यूज किया। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका था और ये हिंदी में भी अलाउ करता था, तो मल्टी नेशनल या इंटरनेशनल जो भी लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज जो है, किसी भी भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में आप कर सकते थे। इवन मैंने भी जो अपनी इंडिया की और भाषा है उसको कन्वर्ट करके यूज किया। तो इस क्वेश्चन का जो पर्सन कुंडली लगाई कि भाई क्या तू सर्वाइव कर सकता है या रीस्टार्ट हो सकता है, जब ये कुंडली बनी तो कुंडली बनने से आप देखेंगे कि 9 नंबर की कुंडली बनी। और जब भी जो भी कुंडली बनती है उसका स्वामी अगर छठे हाउस में चला जाए, कंपटीशन के हाउस में चला जाए, चंद्रमा के साथ है, वैसे तो आज के दिन पे ये, क्योंकि तो आज की कुंडली है तो गज केसरी योग भी बन रहा है, परंतु इसके साथ यहाँ केतु भी आ रहा है, यानी कम से कम 3 महीने या 3 साल के बाद इसके रीस्टार्ट होने की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो ये हो सकती है। 3 महीने से 3 साल का टाइम है जब ये, इसकी पॉसिबिलिटी है ये रिस्टार्ट होने की, परंतु इसको रिस्टार्ट होने के लिए गवर्नमेंट या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सपोर्ट चाहिए। ये भी हो सकता है जो मल्टीनेशनल कंपनी हो वहां पर कोई फीमेल ऐड करती हो, या जो गवर्नमेंट में इस टॉपिक को उठाए या सपोर्ट करे वो कोई फीमेल मिनिस्टर हो सकती है। ये मेरा यहाँ इस चार्ट से देखिए, अदरवाइज ये चार्ट में, क्योंकि लग्नेश छठे हाउस में चला गया है और छठे हाउस में चंद्रमा जब कुंडली में बैठता है, पर्सन कुंडली में खासकर, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा रहती है। ऊपर से क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि सैटर्न रेट्रोगेट है, थर्ड हाउस हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का है, सोशल नेटवर्किंग का है, यहाँ पर शनि खुद रेट्रोगेट हुआ है और शनि जो रेट्रोगेट हुआ है ये 4 महीने के लिए हुआ है, 4 महीने के करीब 140 दिन के करीब ये रहेगा, 139 या 140 डेज, और ये खुद थर्ड हाउस में अपनी राशि में है। तो ये जब फॉरवर्ड मोशन में आएगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलने की, अगर गवर्नमेंट या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सपोर्ट से, सर्वाइवल से ये आ सकता है, अदरवाइज इसका ब्रेक तो अवश्य ही। जो इस पर्सन कुंडली में, क्योंकि 10th हाउस में केतु भी गया है, केतु जो है वो मरकरी के साइन में ही बैठा है,
और मरकरी वापिस जो है वो 8th हाउस में है। तो ये एक तरह से बिजनेस का लॉस ये दिखाता है। पर्सन कुंडली अगर वैसे देना हो, किसी जातक को बताना हो, तो मैं डायरेक्टली इसका नेगेटिव आंसर बता सकता हूँ। लेकिन क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसी अपील फॉर्म की मुझे दिखी, या मैं खुद ऐसा करना चाहता हूँ कि भाई ये जो एक इंडियन है, जो एक भारत देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे और इसके कंपिटिटर होंगे जो माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट है, उन सब में एक खाली एक्सप्लोजर ना होके क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है, उस चीज को देखने के लिए मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस की इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखती है। उस पॉसिबिलिटी को जो हम जमाखोर टेक्निक से भी मैं करने की कोशिश करूंगा, उदय लग्न में देखेंगे। आप सूर्य आ गया है बुध के ऊपर, तो सूर्य बुध यानी बुध आदित्य योग का भी है, उदय लग्न में है। सूर्य भी अपनी ईगो को इंडिकेट करता है या अपनी जिद को, कुछ भी इस चीज का आप कह सकते हो। और बुध भी, तीन ग्रह ऐसे हैं, जुपिटर मरकरी एंड सन, ये जब एसेंडेंट में हो तो ये अपनी सोच के या अपनी जिद के पक्के हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी रिवाइव करना तो इसको रिवाइव कर पाएगी, बाकी और चीजों को हम छोड़ दें। लेकिन उदय लग्न क्योंकि ये इस तरह से बताता है कि फ्यूचर की जो इवेंट होगी, और उसका लॉर्ड जो है 10th हाउस का लॉर्ड है जो मार्स है, और जो मार्स जो है वो प्रोफेशन को इंडिकेट करता है या उसका जो नेट कमाई उसको हटाने में मदद करता है। लेकिन जो बड़ी बात ये है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे राहु के, राहु जो एक जामा प्लेनेट है वो केतु के ऊपर है, यानी अगर राहु एक डिजायर है और राहु जब 3rd हाउस में आता है डिजायर को जीवित कर सकता है, और उसके सामने बिल्कुल कबूतरों पे बुध भी आया हुआ है, और ये कबूतर भी जो राहु के ऊपर है कुंडली के, तो ऐसे तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट अभी आपको बोन केस लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये बंद हो जाएगा। परंतु अगर कोई भी इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखती है तो मैं दोबारा, मुझे मार्जिन दिखता है 3 साल के बाद, या जब सैटर्न रेट्रोगेट से बाहर आ जाए तो 3 महीने आप लगा सकते, 4 महीने जो भी है, 3 साल से, 3 महीने से 3 साल के बीच में मुझे बहुत पॉसिबिलिटी दिखती है। ये आपको को चाहे किसी नाम चेंज के साथ हो, क्योंकि सैटर्न वर्करी हो, या ये इज एज इट इज विद द सेम नेम, ये आपको रिवाइव करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों आज पंदुआ है और मैं ये पर्सन कुंडली लगा के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ तो एक भृगु नंदी नाड़ी से भी करता हूँ, और भृगु नंदी नाड़ी से जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपको फौरा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये स्लाइड में यहाँ से हटाऊंगा और 1 मिनट के लिए दूसरी जो सॉफ्टवेयर में ओरिजिनल कुंडली थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिर हम देखते हैं किसको आगे। दोस्तों ये ओरिजिनल चार्ट है जो मैंने पीपीटी पे बनाया था, क्योंकि मैं आपके रेफरेंस के लिए इस सॉफ्टवेयर में जमा कॉल की वो नहीं होती, तो मैं उसको अपने पेंट में बना के चार्ट को कॉपी करके यहाँ से रहे। तो आप इस चार्ट में देखेंगे जैसा मैंने कहा कि ये ऑरा का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ऑरा जो है जब ये कुंडली बनाई हुई है इस टाइम पे सूर्य का चक्कर, सूर्य का ऑरा जो बताएगा भृगु नंदी नाड़ी में वो क्या संबंध है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड साइट है। सूर्य का यहाँ बुध के साथ कम्युनिकेशन बन रहा है और रिलेशनशिप बन रहा है, और सूर्य जो है वो बुध की राशि में बैठा तो प्रोमिनेंटली है, और ऊपर से जब वहां पर आप देखेंगे सूर्य वीनस के साथ और ट्राइन में सैटर्न के साथ बैठा, तो ये यहाँ मेरे को एक इंडिकेशन मिलती है कि प्रोवाइडेड अगर गवर्नमेंट में कोई फीमेल ऑफिसर या कोई एग्जीक्यूटिव सीईओ टाइप का बंदा अगर इसको रिकमेंडेशन देता है, तो ये कहीं ना कहीं से इसके
सर्वाइवल के योग बन सकते हैं, अदरवाइज इन लोगों के अलावा कोई उसकी पैरवी नहीं करता है, इसके अलावा कोई पैरवी करता है, तो ये मुझे एक्टिव दोबारा से रिस्टार्ट होते हुए नहीं दिख रहा। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट की विलिंगनेस होगी या कोई फीमेल मिनिस्टर या फीमेल सीईओ जिस कंपनी से बात चल रही है उसका उनका रोल आएगा तो ये रिस्टार्ट या सर्वाइव कर जाएगा दोबारा से, और अदरवाइज ये परमानेंटली बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, और ताकि वीडियो आए तो आपको समय पर पता चल जाए, और अपने मित्रों में और अपने फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में इस चैनल की थोड़ी सी मार्केटिंग के फॉर्म में वीडियो आगे भी करें ताकि उन लोगों तक भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। जय श्री राम।